नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देख रहे हैं राग की वाणी। जो गीत मैंने अभी बजाया वो राग की वाणी पर आधारित था, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं, मैं बहुत सारे गाने बजाऊंगा जितने मुझे याद आते हैं। और आपको ये सोचना है कि उनमें से कितने गाने किरवाणी के कितने करीब हैं। मुखड़े बजाऊंगा मैं और थोड़ा धीरे बजाऊंगा तो आप मेलोडी ठीक से सुन सकें। Yeah.
सारे गाने, ये हम कह सकते हैं कि ये किरवाणी की स्केल से जुड़े हुए हैं। और अगर हम स्केल की बात करते हैं तो शायद ये भी गाना किरवाणी में ही बैठेगा। तो चलिए देखते हैं कि किरवाणी की स्केल और किरवाणी राग इनमें क्या फर्क है। किरवाणी जो है हमने कर्नाटक संगीत से अपनाया हुआ है, और जैसे हमने पिछली बार कहा था कि जितने भी राग हमने कर्नाटक संगीत से लिए हैं वो हमने बतौर स्केल के लिए है। मतलब ये है कि किरवाणी का स्केल क्या है, कोमल गंधार है, कोमल धैवत है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। ये स्केल हो गया, मतलब कि ये स्वरों का समूह है। जो भी गाने हमने सुने वो इस स्केल को लेकर बने हुए थे, और उस स्केल से थोड़ा बहुत इधर उधर एक आध दो स्वर यहाँ वहाँ के ऐड करने की सहूलियत थी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, स्केल को चलन नहीं होता है। तो अगर ये स्वर समूह अगर यूज करेंगे तो उसमें चलन नहीं है। जब हमने इस स्केल को राग के रूप में अपनाया है और इस राग को जब हम ख्याल के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसमें फिर स्वर संगतियां ढूंढने लगते हैं, और फिर हमें अपना एक चलन, अपनी एक चाल दिखाई देती है। वहां क्या हो रहा है, अपने आप हम पंचम ऋषभ संगति ढूंढ रहे हैं और ऋषभ प्रोमिनेंट हो गया। ऋषभ और पंचम दोनों प्रोमिनेंट हो गए, उनकी जो संगति है ऋषभ पंचम संगति उसको हम यूज करके अब किरवाणी बनेगा। और फिर फ्रेजेस बनने लगती है, अब हमें अपना किरवाणी लग रहा है। ऋषभ आगे आते रहेगा, Mm-hmm.
अब ये जाके राग किरवानी हो रहा है। तो दो चीजें हुई, एक तो इन स्वरों के अलावा हमने किसी और स्वर का उपयोग नहीं किया, और दूसरा हमने कुछ स्वरों को प्रोमिनेंस दे के अपना एक चलन बना लिया। चलिए सुनते हैं एक बहुत अच्छी बंदिश किरवानी में। किरवानी, अगले हफ्ते अपना राग परिचय का सफर जारी रखेंगे।